Hello everyone, how are you? Hope you all are doing good. This is Om Prakash Shah and I welcome you all to my YouTube channel. Today we will talk about syllable. And this video is the continuation of the last video. In my previous video, I told you about the term. Maine bataya tha 20 vowel sounds ka jab hum log discussion kar rahe the apne pichle video mein, maine syllable ka zikr kiya tha, syllable, accent, stress. In fact, I told you that prosodically I am going to clear many of such terms. तो उन्हीं में से ये एक है सिलेबल. कुछ मिनट्स में, अगले कुछ मिनट्स में ये सभी सिलेबल्स से रिगार्डिंग डाउट्स हमारा क्लियर होने वाला है. जस्ट यू नीड टू बी विथ मी अटेंटिवली. बिफोर आई बिगिन आई मस्ट टेल यू दैट दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट एट ऑल द लेवल्स. स्कूल से लेके कॉलेज, ग्रेजुएशन, मास्टर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है. बिकॉज इन द फर्दर स्टडीज़ वी टॉक अबाउट प्रोसोडी, और प्रोसोडी में हम लोग पोएट्री के लाइन्स का स्कैनिंग करते हैं. तो जब तक हम सिलेबल्स क्लियर ना कर पाए तब तक हम लोग फीट या मीटर नहीं निकाल पाएंगे. पोएट्री के लाइंस का बात कर रहा हूँ. सो दिस सिलेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये आसान इतना है कि स्कूल लेवल के बच्चे भी इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं. देखते हैं हाउ गुड आई कैन बी फॉर यू इन दिस रिगार्ड. वॉवल साउंड्स के वीडियो में हम सभी ने जाना था कि एक वर्ड में एक से ज़्यादा वॉवल्स हो सकता है और उसका साउंड एक ही आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन से बाइक. When we say bike, it spells B-I-K-E. तो यदि आप इसमें vowels देखते हो तो vowels दो हैं, लेकिन vowel sound कितने हैं? We sound it, you can sound it loudly so that you can get the matter clearly. Bike, I is the only vowel sound. तो vowel दो हैं, लेकिन इसमें vowel sounds कितने हैं? One. तो इस word को हम क्या बोले? B-I-K-E. इसमें दो vowel है लेकिन vowel sound एक है. तो मोनो का मतलब आप सभी को पता है, मोनो मीन्स वन. और जितने भी यहाँ पे सिलेबिक टर्म्स लिखे हुए हैं दिस इज़ फॉर द सिलेबल. तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जितने वॉवल्स हो उतना सारा वॉवल साउंड्स हो. तो यही हम यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक. जानते हैं सबसे पहले ये सिलेबल क्या है. वॉट इज़ दिस सिलेबल? सो सिलेबल इज़ अ साउंड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स विच कैन बी प्रोनाउंस्ड एट अ टाइम और एट अ सिंगल एफर्ट ऑफ द वॉइस. इट कंस्टिट्यूट्स ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड. सो इट माइट हैव रीच्ड यू. सिलेबल हम ऐसे वर्ड के यूनिट को या फिर वर्ड के साउंड को बोलेंगे जिसे हम एक ही बार में प्रोनाउंस कर सके. अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें वॉवल साउंड्स एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा. अभी मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दिया. तो एक बार में जिस वर्ड को हम प्रोनाउंस कर सकें, जैसे एक बार में हम क्या बोल सकते हैं? कैट. कैट. तो ध्यान में हमें क्या रखना है, सिलेबल्स को जब हम लोग बाइफोकेट करते हैं, सिलेबल्स को जब देखते हैं, तो हमें सही उच्चारण पे फोकस करना है. वी नीड टू साउंड द वर्ड्स करेक्टली. व्हेन वी से कैट, हमने एक ही एफर्ट में, एक ही बार में इसे बोला. तो कैट को यदि हम लोग इसके टाइप्स में जाएंगे तो कैट किस कैटेगरी में आएगा? कैट विल बी मोनोसिलेबिक वर्ड, क्योंकि ये बोलने के दौरान हमें एक ही एफर्ट देना पड़ा, कैट. और यदि अब इसमें हम लोग वावल्स देखते हैं, सो ए इज द वावल हियर. ए है वावल. सो एक वर्ड में एक से ज़्यादा वावल हो सकता है, लेकिन हमें फोकस क्या करना है? वावल साउंड्स कितने हैं. तो मैटर को हम लोग इजीली ऐसे समझ सकते हैं, द नंबर ऑफ वावल साउंड्स मेंशन्ड इन ए वर्ड द नंबर ऑफ सिलेबल विल बी देयर. जितने वावल साउंड होंगे उतने सिलेबल्स होंगे. क्लियर है? सो कैट जब हमने बोला तो इसमें वॉवल भी एक है और वॉवल साउंड भी एक है, लेकिन हमें वॉवल से कोई वास्ता नहीं है, हमें वॉवल साउंड पे फोकस करना है. एज आई टोल्ड यू, दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, बाइक. इसमें वॉवल्स तो दो हैं, आई और ई, दो वॉवल है, लेकिन वॉवल साउंड कितने हैं? बाइक का उच्चारण आप सही से करेंगे तो क्या मिलेगा? आई. आई बा बाइक. हम लोग जब बाइक बोलते हैं तो आई इधर है, के इधर है, लेकिन ई का साउंड आता है, एक ही साउंड है. सो देर आर टू वॉवल्स बट द वॉवल साउंड की यदि बात करें तो वॉवल साउंड एक है. तो इसीलिए जितने वॉवल साउंड्स हैं हम लोग उतने सिलेबल में वर्ड को डिवाइड कर सकते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं ये बाइक मोनोसिलेबिक वर्ड है, कैट भी मोनोसिलेबिक वर्ड है. गॉट इट? तो ऐसे ही अब दूसरा एक वर्ड ले लेते हैं,
डाइसिलेबिक। तो इन सभी वर्ड में देखिए, वर्ड से ही मैटर क्लियर हो जाता है। मोनो मीन्स वन, तो एक सिलेबल, मतलब सिलेबल यहाँ पे मैटर क्लियर हो गया, जिसे हम लोग एक बार में एक एफर्ट में बोल सके। सो इट इज़ अ साउंड, और वी कैन कॉल इट ए कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। तो साउंड या कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स बोल सकते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल जजिंग इट। वावल से जज नहीं करना है, वावल साउंड से जज करना है। जैसे दूसरा हम लोग डाइसिलेबिक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम लिखते हैं सैड, बस सैड, तो देखिए अब सैड में वावल्स कितने हैं, एक वावल है ए, और एक ही बार में हम इसे बोल पा रहे हैं सैड सैड, कोई दूसरा इसमें वावल साउंड नहीं आया। तो हम लोग सैड को किस कैटेगरी में रखेंगे, मोनोसिलेबिक के कैटेगरी में रखेंगे। अब ये डाइसिलेबिक, इसी में मैंने नेस जोड़ दिया। अब सैडनेस एक वर्ड है, गेटिंग इट, सैडनेस, तो सैडनेस एक वर्ड है। अब इसको यदि हमें सिलेबल के आधार पर तोड़ना पड़े तो हम लोग हाइफन यूज करते हैं, सैडनेस। तो सैड एक सिलेबल हो गया, नेस दूसरा सिलेबल हो गया। अब ऐसे ही अलग अलग सिलेबल्स को जब हम लोग एक्सेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल लेट यू नो अबाउट दिस टू, एक्सेंट के बारे में भी बताऊँगा। जैसे हम लोग यदि इंग्लैंड बोलते हैं तो जनरली देखोगे दो तरह से आप लोगों को अलग अलग साउंड आ सकता है। एज जनरली वी द इंडियंस वी साउंड इट इंग्लैंड, हम लोग कैसे बोलते हैं इंग्लैंड, तो साइड में इधर लिखता हूँ। अब आप जज कर लो इंग्लैंड में कितने सिलेबल हैं। पहले देखते हैं कि इंग्लैंड में वावल्स कितने हैं। ई एक वावल्स हो गया और इधर ए एक दूसरा वावल है, इंग्लैंड। तो हमें दो एफर्ट देना पड़े, मीन्स दो बार में हम ये वर्ड को बोलेंगे। तो यदि इंग्लैंड को हमें तोड़ना पड़े, इट कैन ऑल्सो बी अ डाइसिलेबिक वर्ड, ये भी एक डाइसिलेबिक वर्ड है, इंग्लैंड। क्लियर है, दो सिलेबल से मिलकर ये बना, डाइसिलेबिक वर्ड है। अब यदि हम लोग इस वावल पे एक्सेंट देते हैं तो अलग साउंड आएगा, और इस वावल पे एक्सेंट देते हैं तो अलग साउंड आएगा। तो इसे मैं दो बार लिख रहा हूँ, सॉरी, इंग एंड लैंड। तो पहले वाले में मैं इस पे एक्सेंट दे के साउंड करता हूँ कैसा आवाज़ आता है, और दूसरे वाले में मैं इस पे एक्सेंट दे के साउंड करता हूँ। तो आप जज करना, हम जनरली क्या बोलते हैं, इंग्लैंड, आई हैव बीन टू इंग्लैंड। तो स्ट्रेस किधर जा रहा है, इंग को हमने लाइटली बोला, इंग्लैंड इंग्लैंड। तो हम अभी जो मैंने पढ़ा इसमें स्ट्रेस मार्क लैंड पे जा रहा है, आई हैव बीन टू इंग्लैंड, इंग को लाइटली बोला गया, लैंड पे स्ट्रेस दिया गया। और थोड़ा अलग हो जाएगा यदि हम लोग पहले वाले पे स्ट्रेस दें और दूसरे को अनस्ट्रेस रखें। अब हमें जोर किस पे देना है, इंग पे जोर देना है, पहले वाले वावल्स पे, दूसरे वाले पे नहीं। तो कैसा साउंड आएगा, इंग्लैंड इंग्लैंड। अब देखिए यहीं पे एक्सेंट डिफरेंस हो गया, पहले क्या था, इंग्लैंड, दूसरा क्या आया, इंग्लैंड। सो एक्सेंट में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली, आई हैव बीन टू इंग्लैंड बोल सकते हैं, वेयर एज दूसरा तरीका, आई हैव बीन टू इंग्लैंड। एम आई गेटिंग यू क्लियरली, आई हैव बीन टू इंग्लैंड। तो देखिए दूसरे वाले में मैं कहाँ पे, पहले वाले एक्सेंट में जोड़ दे रहा हूँ, इंग पे जोड़ दे रहा हूँ, इंग्लैंड। और इधर क्या था, लैंड, इंग्लैंड। सो होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। सो डाइसिलेबिक वर्ड दो सिलेबल से बना हुआ होगा कुछ इस तरह से, और एक्सेंट पे अभी डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पे बात आ गई तो मैंने इतना कुछ क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं ट्राइसिलेबिक वर्ड। अब ट्राइसिलेबिक वर्ड में तीन सिलेबल्स इसी तरह से बने हुए रहेंगे। लेते हैं एक एग्जाम्पल ट्राइसिलेबिक, तो ट्राई का मतलब ही होता है थ्री थ्री। तो एक वर्ड जैसे डिलाइटफुल, हाउ डू वी राइट इट, DELIGHTFUL, delightful। अब सबसे पहले तो हम इसे जज कर लें कि कितने वावल्स है यहाँ पे, एक दो तीन, थ्री वावल। तो चांसेस हो सकता है, बट वी विल साउंड इट, हम लोग उच्चारण करके देखेंगे, वावल का गिनती हमें नहीं करना है। डी लाइट फुल, क्लियरली आ रहा है, हमें तीन बार इसे बोलना पड़ रहा है, मीन्स वी आर एफोर्टिंग इट थ्राइस। सो इसे अब सिलेबल के आधार पे डिवाइड करना पड़े तो डी एक आ रहा है, देन इट इज़ गेटिंग लाइट एंड देन फुल, मैंने यहाँ पे डबल एल लिखा है फुल, सो दैट द वर्ड मे बी क्लियर टू यू। तो इस तरह का वर्ड डिलाइटफुल हमने यहाँ पे सिलेबल में डिवाइड किया, सो डी लाइट फुल, तीन वावल साउंड का यूज़ हम अलग अलग में देख पा रहे हैं। सो डिलाइटफुल इज़ अ ट्राइसिलेबिक वर्ड, होप यू आर गेटिंग द मैटर क्लियर। टेट्रा मीन्स फोर,
मोनोडाइट्राई के बाद टेट्रा, तो अब चार सिलेबल वाले वर्ड कैसे हो सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल वी कैन टेक मेलानकली, मेलानकली हम लोग ले सकते हैं, एम ई एल ए एन सी एच ओ एल वाई, मेलानकली। तो अब इसमें वॉवल्स पहले देख लेते हैं कितने हैं। ई इज़ ए वॉवल, ए इज़ ए वॉवल, ओ इज़ ए वॉवल एंड वाई। आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो, वाई हम लोग सेमी वॉवल के कैटेगरी में काउंट करते हैं बिकॉज दैट साउंड्स ई, ई का साउंड आई वाला साउंड इससे भी आता है, सो वी विल टेक इट इन द कैटेगरी ऑफ वॉवल। तो वैसे भी एक दो तीन और चार वॉवल्स तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, तो हम लोग इसी तरह से इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसा होगा डिवीजन। मी, मी, दूसरा लैन, तीसरा कोल, सी एच ओ एल एंड द लास्ट ई साउंड वाई को रखेंगे। तो मी लैन खली, मी लैंड कॉल एंड वाई और ई हम लोग बोल सकते हैं। सो एक दो तीन चार सिलेबल हैं। सो मेलानकली इज़ अ वर्ड दैट इज़ टेट्रासिलेबिक, तो मेलानकली एक टेट्रासिलेबिक वर्ड है। वैसे ही आगे देखिए पेंटासिलेबिक, पेंटा मतलब पाँच, और ऐसे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा भी होता है, तो मोर देन फोर फाइव सिलेबल्स वाला यदि वर्ड है तो हम लोग एक ही टर्म उसे पॉलीसिलेबिक में कंक्लूड कर देते हैं। तो पेंटासिलेबिक जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेलो ड्रामेटिक। जनरली हम लोग वर्ड्स के वर्ड्स में जैसे ही सफिक्स प्रेफिक्स ऐड करेंगे वैसे वैसे उनका सिलेबल, नंबर ऑफ सिलेबल्स बढ़ता जा सकता है। सो वी कैन टेक द वर्ड मेलो ड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक। तो देखिए अब इस वर्ड में कितने सिलेबल्स, सॉरी वॉवल्स आपको दिख रहे हैं, ई, ओ, ए, ए, आई, पांच वॉवल तो वैसे भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सो मेलोड्रामेटिक कैन बी डिवाइडेड, और इसे बोलते समय भी हम लोग मेलो, अब देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे दो सिलेबल को एक साथ बताया था बाइक, क्योंकि साउंड कुछ वैसा है, यहाँ पे बीच में ल साउंड है, मेलोड्रामा वॉवल्स दो हैं और साउंड भी इसका दो है। सो मेलो को हमें दो में ही डिवाइड करना पड़ेगा, वी कैन से मेल ओ। देखिए ड्रामा बीच में मो साउंड है तो दो वॉवल है और दो साउंड भी इसका क्लियर है, सो ड्रा मा। लास्ट टिक, टिक इसे हम लोग एक बार में बोल सकते हैं, टिक। सो वन टू थ्री फोर फाइव एग्जैक्टली। सो पेंटासिलेबिक वर्ड जैसे एक एग्जाम्पल लिया मेलोड्रामेटिक, इसे हमें फाइव एफर्ट्स में बोलना पड़ेगा फाइव टाइम्स, सो मेलोड्रामेटिक। सो दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड वी कैन कॉल इट पेंटासिलेबिक। अब लास्ट है पॉलीसिलेबिक। अब इसमें छः सात आठ या फिर बहुत ज़्यादा सिलेबल्स हो सकता है आपको मिले, तो एक एग्जाम्पल जो अभी माइंड में आ रहा है दैट इज कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन। तो देखिए इसमें बहुत सारे वॉवल्स हैं और वॉवल साउंड भी क्लियरली अलग अलग हो रहा है। अब आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं कैसे इसे पढ़ा जाए, कै पी ट लाई जे सन, तो सभी में देखिएगा एक एक वॉवल साउंड आपको मिल रहा है क्लियरली। कै में एक वॉवल साउंड आ गया, पी दूसरा वॉवल साउंड आ गया, ट तीसरा वॉवल साउंड आ गया, लाई एल आई चौथा वावल साउंड आ गया, जे ए फिर से वावल साउंड आ गया, और शन, शन इज अनदर। इसमें देखिए दो वावल हैं लेकिन आवाज़ तो एक ही आ रहा है। इसमें यदि हम लोग वावल्स की संख्या गिनेंगे तो ए आई ए आई ए आई ओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सो इन द वर्ड देर आर सेवन वॉवल्स, वॉवल्स सेवन है लेकिन इनका वॉवल साउंड कितना आ रहा है ये इसके सिलेबल को डिसाइड करेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसको हम लोग पॉलीसिलेबिक बोल सकते हैं या फिर सिक्स सिलेबल्स हैं तो हम लोग इसे हेक्सासिलेबिक वर्ड भी बोल सकते हैं या फिर पॉलीसिलेबिक वर्ड भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिस वॉज द एंटायर थिंग बिहाइंड द टर्म सिलेबल। तो एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर लें एंड बिफोर आई एंड इट यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, आपको कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल रहा है, ट्राई टू
divide it according to the syllables. ऐसे आप hyphen hyphen use करके vowel sound को ध्यान में रखते हुए words को divide करने का कोशिश करें और मुझे comment box में लिख के बताएं किस word में कितना syllable है. You will get a list of words at the end of the video. So hope that the thing has got clear. एक मिनट में फिर से revise कर लेते हैं. Syllable is the sound or the combination of sound that we speak, say, or that we sound it in a single effort. एक effort में. It will definitely take a vowel sound, but there can be, not necessarily, it will take a single vowel. There can be more than one vowel sound, one vowels, but the vowel sound should be one. तो हम लोग इसी तरह से divide करेंगे syllables को. और उम्मीद है कि जो वर्ड्स आपको मिलने जा रहा है आप वर्ड्स का अच्छे से सिलेबल डिवाइड करें और मुझे सभी सही सही आंसर दे किस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं. और आंसर में हमें एक सिलेबल है, दो सिलेबल है, ऐसा नहीं लिखना है. यू नीड टू राइट मोनोसिलेबिक है, डाई, टेट्रा, टेट्रा पेंटा या फिर पॉलीसिलेबिक है, ये आपको बताना है. तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में. Till then, keep learning, keep smiling, and stay safe. This is Om Prakasha signing off. Thank you.